नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बदलती ग्रहों के चाल के साथ साथ आपके जीवन में यह समय स्वयं शनिदेव, महादेव और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यश में बदलते करों के चाल के साथ साथ इन देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियों की, अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी। यश में आपके जीवन में सभी संकटों का, सभी समस्याओं का आपके निवारण होंगे और आपके सभी रुके कार्यों भी यश में बनने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भविष्य संबंधी जो भी कार्य आपने सोचे थे, दोस्तों यश में उनका सफलता आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, पिछले समय से जो भी आपके सभी रुके और अटके कार्य, अटके पेशे हैं, दोस्तों यश में आपको मिलने वाले हैं। इसे दोस्तों आप उन्हें आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर और मजबूत बना पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मां लक्ष्मी की कृपा से यश में आपके घर में धन दौलत की प्राप्ति होगी। घर का माहौल यश में आपके खुशियों से भरेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में महादेव जी की कृपा से भविष्य संबंधी सभी कार्यों को आप करने में सक्षम रहेंगे। भविष्य संबंधी सभी निर्णय को यश में आप अति उत्साह के साथ ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में कार्य क्षेत्र में आपका लिया गया ठोस निर्णय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में भगवान शनिदेव की असीम कृपा से यश में आपके दुश्मनों का नाश होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी दुश्मन आपके कार्य के क्षेत्र में, आपके घर के माहौल में, आपके प्रगति के क्षेत्र में जो भी बाधा, जो भी अड़चन लगाए करते थे, यश में उनका अंत होगा और आपके सभी रास्ते, भविष्य संबंधी सभी नए रास्ते आपके खुलेंगे। भविष्य संबंधी सभी रास्ते यश में आपके क्लियर रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में शनिदेव की असीम कृपा आपके जीवन पर होगा और इनसे भी आपको बहुत से बड़े बदलाव यश में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आप यश में आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में और आपके सभी क्षेत्रों में यश में आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। परंतु दोस्तों, यश में आपको बता दें, आपको प्रत्येक क्षेत्र में सावधानी रखते हुए कार्य को करना है। क्योंकि दोस्तों, जब भी ग्रह गोचर में परिवर्तन होते हैं, अगर आप सावधानी को नहीं रखते हैं तो दोस्तों इनका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर होगा। यश में दोस्तों, यश में आपको कौन सी सावधानी रखने होंगे, यश में आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या बड़े बदलाव आपके जीवन में होंगे, कौन सी बड़ी बड़ी वृद्धि आपके क्षेत्र में होंगी और कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली है। दोस्तों, इन सभी के बारे में जानेंगे पूरे विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ग्रह गोचर पर नियमित है तो उन्हें अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि दोस्तों, यह आपके जीवन शैली के लिए और यश में के लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। और उससे पहले दोस्तों, यश में माँ लक्ष्मी, महादेव और शनिदेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में इनका नाम जरूर लिखें ताकि इनकी कृपा आपके जीवन पर सदैव रहेगा। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, यश में अधिकतर समय व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में व्यतीत होगा। साथ ही दोस्तों, सफलता मिलने से मानसिक शांति भी रहेगी। यश में जो समय होगा आपके लिए पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ और फलदायक साबित होंगे। दोस्तों, किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन भी यश में रहेगा जो कि आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे। वहीं दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक गतिविधि में स्वयं की कार्य क्षमता पर विश्वास रखना आवश्यक होगा। दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान आप कर सकते हैं। यश में आपको बता दें कि अपने नैतिक मित्रों व फिर संपर्क सूत्रों के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, हर किसी बात के बारे में बेवजह चिंता करने की वजह से हर बात में आपको यश में नकारात्मकता ही नजर आ रही है। यदि आप परिस्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं तो दोस्तों, खुद के अंदर बदलाव लाना जरूरी होगा। एक जैसी जीवन शैली रखने की वजह से आपके अंदर उदासीनता पैदा हो रही है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखने के लिए आप अपना आत्म अवलोकन अवश्य करें। इससे दोस्तों, आपके अंदर मानसिक शांति व फिर ऊर्जा का संचार होगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, दृढ़ निश्चय होकर काम करने से आपकी योजनाएं अवश्य सफल होंगी। साथ ही दोस्तों, यश में दूसरों की बातों में ध्यान देने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता पर, आत्मबल पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, किसी भी प्रकार की यात्रा करने के लिए यह जो समय है आपके लिए उत्तम नहीं होंगे। दोस्तों, यश में नई व्यक्ति से समस्या हो सकती है। साथ ही दोस्तों, इनसे बचने की कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में परिवार के किसी युवा व्यक्ति की खास प्रगति होगी जिनकी वजह से पूरे परिवार में समाधान प्राप्त होगा। यश में आपके खर्चे हो सकते हैं
लेकिन यह खर्चा आपके मौज मस्ती पर होगा, इसलिए दोस्तों यश में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं। घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं। घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। दोस्तों दिन की कुछ समय परिवारों के साथ मनोरंजन व फिर स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी मुद्दे पर भाइयों के साथ वाद विवाद होने की आशंका लग रही है। दोस्तों यश में सावधानी और समझदारी से आपको काम लेना चाहिए, इससे आप परिस्थितियों को आसानी से संभाल भी पाएंगे। दोस्तों बेहतर होगा कि दूसरों के झमेलों में अपना हस्तक्षेप ना करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपकी इच्छा शक्ति बढ़ने की वजह से काम में भी आपको यश में प्रगति और गति दोनों नजर आने वाली है। दोस्तों आप अकेले ही काफ़ी बातों का सामना यश में कर पाएंगे, जिनकी वजह से आपको मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है, लेकिन उन्हीं बातों को प्रगति की ओर बढ़ते हुए देखकर आपको समाधान भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यश में निवेश करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होगा। घर के बुजुर्गों का भी स्नेह और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। बच्चों को भी आपके मार्गदर्शन में कोई विशेष सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही दोस्तों यश में किसी समय आप आलस की वजह से कुछ काम नजरअंदाज ना करें। दोस्तों यश में इनकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। और दोस्तों यश में अपना आत्मविश्वास और फिर कार्य क्षमता को मजबूत बनाकर रखना आपके लिए अत्यावश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों परिस्थिति में बार बार बदलाव आने की वजह से निर्णय ले पाना या फिर किसी एक ही निर्णय पर टिके पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों व्यक्तिगत जीवन में आपको समाधान प्राप्त हो सकता है, लेकिन दोस्तों काम से जुड़ी परेशानियां भी यश में रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में काम से संबंधित जिम्मेदारी को किसी के साथ बांटना यश में मुश्किल हो सकता है। दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट पर काम करना आपको पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों इसके उचित परिणाम भी आपको हासिल होंगे। हालांकि दोस्तों कुछ व्यापारी लोग अपने निजी कार्यों की वजह से कार्य क्षेत्र पर उतना अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यश में कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में भी रुके हुए काम में गति आएंगी। दोस्तों व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों यह संबंध आपके भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यह समय व्यावसायिक स्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा। कर्मचारियों के साथ आपका उचित तालमेल रहने से कार्य भी सुचारू रूप से होते जाएंगे। दोस्तों इसमें मार्केटिंग संबंधी कार्य भी इन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यश में रुका हुआ पेशा भी आपको मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों यश में व्यवसाय की दृष्टि से समय बहुत ही उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ेंगी। कुछ नए अनुबंध भी यश में प्राप्त होंगे और दोस्तों आर्थिक स्थिति में यश में सुधार होगा। यश में साझेदारी संबंधी कार्यों में धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों घर के सभी सदस्यों का आपस में बेहतरीन तालमेल होने से खुशनुमा वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी यश में नजदीकियां आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताजे होंगी। घर के सदस्यों में भी आपसे तालमेल बना रहेगा, जिनसे दोस्तों यश में आपसी संबंध भी मधुर रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। घर में अधिक हस्तक्षेप तथा रोक टोक करना पारिवारिक सदस्यों को नाराज कर सकता है। दोस्तों सबको अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता मिलना जरूरी है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों यश समय वातावरण सुखद रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से मेल मुलाकात करते समय मर्यादा का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों जोड़ों या फिर मांसपेशियों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। दोस्तों व्यायाम या फिर योगा के लिए समय आप यह समय जरूर निकालें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यश में फालतू जो है जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनके द्वारा आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी नुकसान भी यश में हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। गैस व फिर कब्ज की शिकायत रह सकती है। अपना खान पान व फिर दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके स्वास्थ्य के लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। दोस्तों यश में वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव करना आपके लिए अति आवश्यक होगा।